हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। चलिए तो हम यहाँ पे आरआरबी जेई 2024 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम जुलाई एंड ऑगस्ट। तो जुलाई ऑगस्ट से हमने यहाँ पे हमारे जो लेक्चर्स करेंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं वो हम लेकर आए हैं। तो अभी कुछ पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आरआरबी जेई 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब नोटिफिकेशन क्योंकि आ गई है तो आपको भी इस पेपर को निकालना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा तैयारी। तो तैयारी आप कर सकते हैं गेट एकेडमी के साथ में। गेट एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन डेडिकेटेड कोर्स मिलेगा आरआरबी जेई का, जो पर्टिकुलरली आपके ब्रांच से रिलेटेड है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बात करूं अगर, तो इन दोनों का ही CBT 1 CBT 2 में कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जाइए परचेज कीजिए। अब देखो यार, कुछ ही लोग इसे परचेज कर पाएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल सकती, ठीक है, हर कोई इसे परचेज कर सकता है, क्योंकि जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एप्लीकेशन की, तो आरआरबी जेई का अगर फॉर्म आपने नहीं भरा है तो फिल कर लीजिए। 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लास्ट डेट है 29th of August। तो समय जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और साथ में आपको तैयारी भी करनी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा कोर्स, जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों इंक्लूड रहेगा, ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 777 रुपीज में। ओके, जिसमें पूरा आपको मतलब नॉन टेक और टेक्निकल दोनों ही प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि टेक्निकल में आप किस पार्ट को बिलोंग करते हैं, किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, सिविल से या फिर मैकेनिकल से हैं, तो उस हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन सब में करेंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक के कुछ सब्जेक्ट्स को मैंने भी डील किया है, ठीक है, उसे आप देखिए, समझिए, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी A to Z। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट वेलकम्ड इट्स फर्स्ट कंटेनर शिप सैन फर्नांडो। दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या कर्नाटक? आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट में पहला कंटेनर शिप आया है, जिसका नाम है सैन फर्नांडो। आपको बताना है ये पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। आपको मैं 5 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सिर्फ 5 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे इसे बनाना चालू करते हैं। एक मिनट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर रहेगा आपका केरला, ठीक है, केरला। ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, सबसे पहले ये जो इंटरनेशनल सी पोर्ट है ये आपके केरला में है, ये पहली चीज। दूसरा, शिप का नाम क्या है, आपको यहाँ पे शिप का नाम भी पूछ सकता है। तो कंटेनर शिप जो आया है उसका नाम है सैन फर्नांडो। अच्छा, अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भैया ये सैन फर्नांडो आया कहां से है, तो ये आया है चाइना के ज़ायमन पोर्ट से, ज़ायमन पोर्ट, ठीक है, तो यहां से आया, जिसकी कैपेसिटी जो है वो है 8000 से लेकर 9000 ट्यूस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, जो भी चीज आपकी फर्स्ट टाइम है ना, तो चांस है कि वहां से आपको प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़का प्रसाद शर्मा ओली हैज बीन स्वोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन जुलाई 2024? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? आपको बताना है कि खड़का प्रसाद शर्मा ओली जो है ये प्राइम मिनिस्टर किस देश के बने हैं। बहुत आसान, जल्दी से, अगेन आपको 5 सेकेंड्स मिल रहे हैं, जवाब दीजिए। चलो देखते हैं, तो यहां पे अगर बात की जाए तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा नेपाल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये चौथी बार, फोर्थ टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट टाइम 2015 में बने थे, ठीक है, अभी इनको लोअर हाउस में इनको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, लोअर हाउस में 30 डेज के अंदर अंदर
बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ओके प्राइम मिनिस्टर तो हमें समझ में आ गया, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाते हैं भैया, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल, ठीक है। ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस बार चांसेस हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेपाल की कैपिटल पूछेगा तो क्या बताएंगे, काठमांडू, ये आपको स्टैटिक में पूछा जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, 5 सेकेंड्स दे रही हूं मैं आपको हर क्वेश्चन में ताकि आप इसको देखो और आंसर दो। चलो, गिटानिस नौसेडा हैज बीन स्वॉन इन फॉर द सेकेंड टाइम एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ब्राजील, बोलीविया, केनिया या लिथुनिया, बताइए 5 सेकेंड्स। चलिए, तो गिटानिस नौसेडा की देखो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्या पूछ रहा है आपको कि ये प्रेसिडेंट बने हैं गिटानिस नौसेडा कहाँ के बने हैं, तो भैया ये बने हैं लिथुनिया के, कहाँ के, लिथुनिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिथुनिया की कैपिटल आपको अगर मालूम है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताएंगे, ठीक है, ये चीज तो इतना आपको याद में रखना है, प्रेसिडेंट बने और ये सेकेंड टाइम बने, अभी ये जो प्रेसिडेंट बने हैं ना तो ये आपके क्या बने हैं, सेकेंड टाइम बने हैं, ऐसे, ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके, बारबोरा रेसिकोवा हु हैज वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप बिलोंग्स टू विच कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में ना स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स दिया गया है अलग से, अब क्योंकि अलग से दिया है ना इसलिए आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ओके, तो स्विट्जरलैंड, स्पेन, जेज रिपब्लिक या फिर सर्बिया, बताइए क्या आंसर रहेगा। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, तो उसे ध्यान से आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको पूछता है 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जो है किसके द्वारा जीती गई, तो आप क्या नाम बोलेंगे, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है, ये कौन है, ये विमेन सिंगल्स, इन्होंने विमेन सिंगल्स टाइटल जीता है। अगर मैं बात करूं कि भैया विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में मेन्स सिंगल किसने जीता है, ये भी पूछ सकते हैं ना, जब विमेन का दिया है तो हो सकता है आपको मेन को पूछ ले, राइट, चांसेस आते हैं। तो इनका नाम है कार्लोस एल्केरेस, कार्लोस एल्केरेस, ऐसा, ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज की कार्लोस जो है, ठीक है, ये अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, फोर्थ ग्रैंड स्लैम जो इन्होंने जीता है अभी मेन सिंगल्स, ठीक है, ये तो ये भी ध्यान रखेंगे, ओके। नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक, हम सब जानते हैं इनका नाम, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स जीता है इन्होंने, मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम्स, मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम्स कितने, 24। तो पूछते हैं कुछ स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, आपको अगर पूछता है कि बारबोरा जो है जिन्होंने विमेन सिंगल्स जीता है ये किस देश से है, तो भैया ये सेज रिपब्लिक से, ठीक है, सेज रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज। चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्पेन डिफीटेड विच कंट्री इन बर्लिन टू विन द यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल, आपको बताना है स्पेन ने किस कंट्री को हराया है, कहां पर भैया, बर्लिन में, किस टूर्नामेंट में, तो यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, और ये टाइटल जीता, बताइए सोमालिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या जर्मनी, अगेन 5 सेकेंड्स।
बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको पूछता है स्पेन ने किसे डिफीट किया है तो आपका आंसर रहेगा इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे स्पेन की कैपिटल अगर आपको पूछता है तो क्या बोलेंगे, स्पेन की कैपिटल पोलैंड, ये चीज। ठीक है, तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है 2-1 से। किससे हराया है? 2-1 से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरा, अगर बात की जाए सेमीफाइनल्स की, सेमीफाइनल्स ऐसे तो पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए हमें कि सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया था। किसको हराया था? फ्रांस को। तो फ्रांस हारा था, स्पेन जीता था। सेम अगर बात करें हम इंग्लैंड की, ये दोनों तो फाइनल मैच खेल रहे हैं ना, तो इन दोनों ने किसी ना किसी टीम को तो हराया होगा। तो इंग्लैंड और नीदरलैंड्स, इनके बीच में हुआ था जिसमें नीदरलैंड हारा था, इंग्लैंड जीता था। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में फाइनल मैच हुआ, फाइनल मैच स्पेन जीता और इंग्लैंड जो है ये हार गया। ओके, ऐसे। तो यहां का आंसर क्या रहेगा? इंग्लैंड, इंग्लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा स्टूडेंट्स, इसी में से आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द रूल्स टू गिव मोर पावर्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अमेंड किया है रूल्स, उन्होंने किस यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखिए जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना, वहां सीएम नहीं होते, सीएम मिलेंगे आपको सिर्फ पौंडीचेरी और दिल्ली में, ये दो एक्सेप्शन है, इसके अलावा जितने यूटीज हैं वहां सीएम नहीं होते, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पूरा अधिकार रहता है यूटीज को लेकर, तो किस यूटी में, आपको पूछ रहा है कि किस यूटी को के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर्स दी गई है, ज्यादा पावर्स दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बताइए क्या आंसर रहेगा। अगेन 5 seconds टू यू। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर जो रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक्ट ऑफ 2019, तो इसको अमेंड किया है, अमेंड करना मतलब चेंजेस करना, इसमें कुछ रूल्स चेंज किए गए। किसके द्वारा किए गए भैया? होम मिनिस्ट्री के द्वारा, होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा चेंजेस किए गए हैं और कुछ ज्यादा पावर्स दी गई है यहाँ पर किसको? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, ये चीज। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द खर्ची पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 14th of June 2024। आपको बताना है खर्ची पूजा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन अगेन मैं बता रही हूँ, स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स और कल्चर, ये दोनों में आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, और इनमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा क्योंकि अलग से स्पेसिफाई किया है उसको। ओके, कल्चर के अंदर में खर्ची पूजा और सारे अलग तरीके के फेस्टिवल्स आते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको हमारा जो कोर्स है 777 वो अगर आप लेंगे, वहां मैंने आर्ट एंड कल्चर में पूरा ये चीजों को डील किया है। ओके, बताइए खर्ची पूजा फेस्टिवल जो है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है। आइए, तो खर्ची पूजा फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो ये आपके त्रिपुरा में आयोजित किया गया। ठीक है, ये फेस्टिवल कहाँ हुआ? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के सीएम का नाम है माणिक साहा, माणिक साहा। तो इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, खर्ची पूजा जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है ना। बहुत से पिलग्रिम्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहां के भी पिलग्रिम्स जो है वो आते हैं इस फेस्टिवल को यहाँ पे मनाने के लिए। त्रिपुरा की कैपिटल आपको पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अगरतला, अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बताइए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज इन ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज
कहाँ पे किया है? तो भैया 55 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, तो किस राज्य के 55 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है आपको ये बताना है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो 55 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जा रही है तो ये है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैटर्न में, ठीक है, इसे किया गया है। अच्छा, सीएम, एमपी के सीएम मोहन यादव भी प्रेजेंट थे फंक्शन में, मोहन यादव, ओके। इतनी चीजों को याद रखना है आपको, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम मीटिंग हेल्ड? आपको बताने 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम मीटिंग कहाँ हुआ? बाकू, वियना, न्यू दिल्ली या फिर रियाद? चलिए 5 सेकंड्स दिए जा रहे हैं, बताइए। चलिए, तो यहां पे अगर हम आंसर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर रहेगा न्यू दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यू दिल्ली में 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम मीटिंग जो ये हेल्ड की गई, ये यूनेस्को के द्वारा आयोजित की जाती है, ओके। ऐसा अगर आपको थीम कभी पूछेगा, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसका थीम भी है जो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी, वर्ल्ड हेरिटेज इन 21st, वर्ल्ड हेरिटेज इन 21st सेंचुरी, ठीक है, ये थीम है इसका, आंसर क्या रहेगा आपका? न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द सिटी इन जुलाई 2014 में, डेट है ये, सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाय अ टीम इन 24 आवर्स बाय प्लांटिंग ओवर 1.1 मिलियन सैपलिंग्स। सोचिए, वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1.1 मिलियन सैपलिंग्स को यहाँ पे प्लांट किया गया है किस टीम के द्वारा, ठीक है। वो टीम जो है वो कहाँ की थी? 24 आवर्स के अंदर अंदर। आपको बताना है कौन सी सिटी है वो जहाँ ये टीम वर्क कर रही है, उन्होंने इतने प्लांट्स लगाए हैं, भोपाल, लखनऊ, पटना या इंदौर? 5 सेकेंड्स टू गो, आंसर द क्वेश्चन। चलिए, तो स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा इंदौर, ठीक है, ये चीज। तो 11 लाख ट्रीज सैपलिंग्स होते हैं वो, एक्चुअली ट्रीज नहीं होते वो, तो बाद में ट्री बनते, सैपलिंग्स होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या किया गया है? प्लांट किया गया। इस ओकेजन में अमित शाह भी मौजूद थे, अमित शाह, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को किया गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि नाम क्या था इस थीम का, तो एक ट्री माँ के नाम, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? June 5, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, June 5। तो ये जो थीम है हमारी, ये मतलब ये एक कैंपेन है, थीम नहीं बोल सकते इसको, बोल सकते हैं कैंपेन, एक ट्री माँ के नाम, ये कैंपेन है जो मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? तो बोलेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो हम 5 जून को मनाते हैं इस दिन,
इसे लॉन्च किया गया था, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। इसी कैंपेन के अंतर्गत इंदौर में 11 लाख सैपलिंग्स को लगाया गया विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed by the government as the new chairman and managing director of Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL, with effect from July 15? Kalyan Sagar Nipani, Praveen Kumar Purwar, Robert Gerard Ravi, Vivek Banchal. आपको बताना है BSNL के MD किसे appoint किया गया है, chairman और MD। ठीक है, बताइए। चलिए आसान है, बता देती हूं मैं, इसका आंसर है आपका रॉबर्ट गेरार्ड रवि। ठीक है, सेकेंड टाइम बीएसएनएल के साथ इन्हें जोड़ा गया है, ठीक है, एज एन एमडी एंड चेयरमैन सेकेंड टाइम। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज। चलो आगे बढ़ेंगे। अब बीएसएनएल का ही जनरली इसलिए याद रखना है क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज जॉइंड हैंड्स टू डेवलप द लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने, मतलब वो कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने एक साथ मिलके ये कहा है कि वो डेवलप करेंगे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो बताइए, ये बी है। ठीक है, ए में है आपका पोलैंड, जर्मनी, इटली, हंगरी। बी है आपका फ्रांस, चाइना, हंगरी, इटली। सी में है आपका नॉर्वे, स्वीडन, इटली एंड जर्मनी। और डी में आएगा आपका पोलैंड, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस। बताइए, 5 सेकंड्स दिए जा रहे हैं, आंसर देंगे। चलो ओके, तो यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पोलैंड, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस। ओके, ये चार कंट्रीज एक साथ इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल डेवलप करेंगे जिसकी रेंज जो रहेगी वो रहेगी मोर देन 500 किलोमीटर। ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज। पहला ड्राफ्ट 2024 के एंड तक रेडी हो जाएगा इसका। चलो अब ये चारों को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, यू विल फाइंड कि ये चारों नाटो कंट्रीज हैं। तो नाटो की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ही ये लोग एक साथ आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया या जापान। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कहां पर होगा, किस कंट्री में होगा, आपको बताना है। ठीक है, साउथ कोरिया में, चाइना में, इंडिया या जापान, बताइए। चलो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंडिया। ठीक है, तो सेकेंड एशिया पैसिफिक एपैक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये किया जाता है, ये जॉइंटली, मतलब किसके साथ मिलके किया गया है, तो ये किया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ है ये इंडिया में हुआ है, किसके साथ में हुआ है तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात की जाए अगर इसकी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ICAO। ओके, तो ये आपका एक इंटर गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटर गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी। कहां की एजेंसी है तो आप बोलेंगे ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है।
ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है. 1947 में इसे फॉर्म किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा. ठीक है, इतनी चीज आपको मालूम होना चाहिए. सेकंड, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया? इंडिया में. किसके साथ किया गया? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ICAO कहा जाता है. अब ये ICAO क्या है? तो ये भी है इंटर गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका फॉर्मेशन 1947 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे होंगे. मैं 5 सेकंड्स जो देती हूँ उसमें आपको ट्राई करना है कि आप इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे. ठीक है, ये हमारा सेल्फ असेसमेंट है कि हमें कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है और कितनी तैयारी की हमें जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वेयर वॉज द 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 हेल्ड फ्रॉम July 7 to July 30? थाईलैंड, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडोनेशिया. बताइए. चलिए तो बात करते हैं यहां पे. तो 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो है ये कजाकिस्तान में किया गया. बस ये चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक, कजाकिस्तान की कैपिटल अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ बिल मैंडेटिंग 50% रिजर्वेशंस फॉर लोकल्स इन मैनेजमेंट जॉब्स? आपको बताना है किस स्टेट के कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर लिया था एक बिल को, जिसमें मैंडेटरी मतलब करना ही करना है. क्या करना है? तो भैया 50% रिजर्वेशन देना है वहां के लोकल्स को इन मैनेजमेंट जॉब्स, जितने भी जॉब आपके मैनेजमेंट के. ठीक है, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? 5 सेकंड्स आंसर दीजिए. चलो यहाँ पे देखते हैं. तो काफी इस पे बहसबाजी भी हुई. इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नाटक. ठीक है, तो कर्नाटक ने, कर्नाटक की कैबिनेट ने इस बिल को कंफर्म किया कि भैया 50% रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा मैनेजमेंट जॉब्स में और 75% रहेगा नॉन मैनेजमेंट, जो नॉन मैनेजमेंट वाले पोस्ट है उनके. ठीक है, वैसे इस पे अभी स्टे लग गया है बिल के ऊपर में, लेकिन काफी मतलब हीटेड न्यूज थी ये. बहुत सारी चीजें इस पे हुई भी, मतलब जो भी इनका नेगेटिव पॉजिटिव था वैसा लोगों ने कहा. इनफैक्ट ये भी कहा कि जो कंपनीज इसे नहीं फुलफिल करेंगी उन्हें 25,000 का फाइन दिया जाए. अगर आप नहीं करते हो तो आप फाइन दोगे कितना? 25,000. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूपी गवर्नमेंट टू इंक्रीज डैश इनकम थ्रू कार्बन फाइनेंस. आपको बताना है कार्बन फाइनेंस से किनकी इंकम जनरेट करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है, जनरेट नहीं सॉरी इंक्रीज करना चाहती है यूपी गवर्नमेंट? फार्मर्स, विमेन, डॉक्टर या डिसेबल्ड पर्सन? बताइए. चलो आ जाओ यहाँ पे. तो आपका जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा फार्मर्स. तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करेंगे कार्बन फाइनेंस. ठीक है, अभी कार्बन फाइनेंस मतलब क्या होगा? तो भैया एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें रहेंगी ऑब्वियसली. ठीक है, तो इसके अंदर में क्या है? तो आप बोलेंगे कि फार्मर्स को एनकरेज करवाना ट्री प्लांटेशन में. भैया ट्री को प्लांट करो, जितना ज्यादा करोगे तो उतना हो सकता है उनकी इनकम भी वहां से इंक्रीज की जाएगी ऐसा. ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है 2070 तक इनको क्या करना है? जीरो कार्बन एमिशन करना है. इनका टारगेट है. ठीक है, अब देखते हैं टारगेट कितना फुलफिल होता है. तो इसी के लिए फार्मर्स को बोला गया कि भाई हम ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स जो है उनके साथ में जुड़ो, ट्रीज लगाओ जितना ज्यादा हो सके,
उससे आपको कार्बन फाइनेंस दिया जाएगा और उससे आपकी जो इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज, है ना। अभी जितना कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे आप क्या करेंगे, ज्यादा कमाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग, हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स आर देयर इन द रिकंस्टिट्यूटेड नीति आयोग, बताइए। आपको मिल रहे हैं 5 सेकेंड्स जवाब देने के लिए। ओके, देखिए तो गवर्नमेंट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है इस बार के लिए। तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया है कॉम्पोजिशन किसका, नीति आयोग का। तो सबसे पहले बात करें अगर नीति आयोग की, तो ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक थिंक टैंक एजेंसी है, ठीक है, जो कि प्लान्स बनाती है, थिंक टैंक एजेंसी, ये पहली चीज, ठीक है, जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा, इसमें जो मेंबर्स, फुल मेंबर्स जो यहाँ पे रिकंस्टिट्यूट किए गए हैं वो है 4। कितने हैं? 4। अब इसमें आपको ना सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन क्या है। तो पहले तो देखो, पीएम जो है वो कौन होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन रहेंगे, ठीक है, सुमन बेरी, सुमन बेरी। अब देखो जो पीएम है, अभी कौन है पीएम, मोदी जी है, तो मोदी जी ही चेयरमैन रहेंगे आपके नीति आयोग, ठीक है। बात करें सुमन बेरी की, तो ये वाइस चेयरमैन रहेंगे, वाइस चेयरमैन, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो 4 पर्सन है वही रहेंगे, वो है आपके वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पॉल, आनंद बिरमानी, ऐसे, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये चारों कौन है, ये आपके ना फुल टाइम मेंबर्स है। कौन है? फुल टाइम मेंबर्स। इनके अलावा 15 यूनियन मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो कि क्या रहेंगे, आपके इनवाइटीज रहेंगे। तो इतनी चीजें देख लो एक बार, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री। आपको बताना है डॉक्टर एस जयशंकर जो कि कौन है, जो हमारे देश के यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, राइट। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है मैत्री उद्यान को, ठीक है। तो मैत्री उद्यान मतलब मित्रता, तो किसके साथ फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए इसे किया गया है? 5 सेकेंड्स में बताइए आंसर। चलिए एकदम आसान है, इसका आंसर रहेगा आपका मॉरिशियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन टू रेस्क्यू अबेंडेंड और स्ट्रे चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन लोग को पकड़ लिया जाता है और मतलब बोलना चाहिए उन्हें किडनैप कर दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, रोड्स में आपको पड़े हुए मिलते होंगे, जो अनाथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग किडनैप हुए रहते हैं और स्मगलर्स उनका यूज करते हैं स्मगलिंग के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए। तो आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया, इस ऑपरेशन को, जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते, ताकि वो बच्चों को बचा सके ऐसे। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बताइए। तो देखो अब क्योंकि आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो ना, चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या आंसर रहेगा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आरपीएफ जो है ये लॉन्च किया गया था 2018 में, और तब से लेके आज
तक मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स को, सॉरी, स्ट्रे बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू कर दिया गया है, उन्हें बचा लिया गया है, ढूंढ लिया गया है। ऐसा आंसर क्या रहेगा आपका? आरपीएफ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट टू डेवलप 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जिसमें वो डेवलप करेंगे 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर में, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? शिक्षा, समिता, अस्मिता या रेखता? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात करें तो इसका आंसर रहेगा अस्मिता, ध्यान रखेंगे अस्मिता। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और इसके साथ में आपका क्या नाम है, यूजीसी, ठीक है, तो इनके द्वारा ही डेवलप किया गया है इस प्रोजेक्ट को, अस्मिता को, और इसमें 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसा डेवलप किया जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, हैज अनाउंस्ड द लड़का भाव स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट? नाम से आप समझ सकते हैं कौन सा स्टेट होगा वो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लड़का भाव करके एक स्कीम निकाली है उन लड़कों के लिए, उस यूथ के लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, बताओ। एकदम आसान है, चलिए स्टूडेंट्स, तो जवाब है इसका महाराष्ट्र, ठीक है, तो लड़का भाव से ही समझ आ गया था। तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत, स्कीम की शुरुआत जो है वो 17 जुलाई 2024 को किया गया। कहां किया गया? पंढरपुर में, एकादशी के दिन, ठीक है, इस दिन मतलब अच्छी बहुत बड़ी एकादशी रहती है, ठीक है, तो पंढरपुर में इसे लॉन्च किया गया। सीएम सीएम कौन है हमारे? एकनाथ शिंदे। इनके द्वारा इसे किया गया ये चीज, ठीक है। अब एक और स्कीम है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, ये महाराष्ट्र की ही स्कीम है, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था 2024-25 के बजट में। अब लड़की से ही समझ आ गया होगा कि जितनी भी गरीब विमेन है उनके लिए इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना, लड़का भाऊ एंड मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, ठीक है, दोनों आपके स्कीम्स के नाम है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। आगे, द रिसेंटली डिस्कस्ड कीर्ति इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री की ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है आपका कीर्ति इनिशिएटिव? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? 5 सेकंड से बताइए आंसर। चलिए, तो देखिए कीर्ति इनिशिएटिव जो है ये इनिशिएटिव है आपका इनिशिएटिव ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसमें प्लेयर्स को ढूंढा जाएगा ऑल ओवर इंडिया से, जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, ठीक है, कि मतलब ओलंपिक्स में जिन्हें भेजा जा सकता है। आप खुद देख सकते हैं भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा इस बार ओलंपिक्स में, अभी तक तो एक भी गोल्ड नहीं आया और अब तो मुश्किल है और आना, ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत बेकार चीज है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश में और हम एक गोल्ड भी नहीं ला सकते ओलंपिक्स, ठीक है, ओके, बाकियों ने मेहनत किया, जिन्होंने सिल्वर लाए, ब्रॉन्ज लाए, लेकिन गोल्ड हम डिजर्व करते हैं,
राइट, पिछले साल एक गोल्ड था हमारे पास में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, ठीक है, इस बार हमें और मेहनत करनी चाहिए थी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार के लिए इन्हें और तगड़ी तैयारी रखनी है ताकि हमारे पास में एटलीस्ट एक गोल्ड तो आए। ओके, तो मनसुख मंडविया नाम याद रखेंगे, जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, और लेबर के भी है साथ में ये मिनिस्टर, तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया इस इनिशिएटिव को, जिसका नाम है कीर्ति इनिशिएटिव। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डील करेंगे। द गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टोल फ्री नेशनल एंटी ड्रग हेल्पलाइन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हेल्पलाइन नंबर, बताइए, ठीक है, नाम क्या है आपको बताना है इस हेल्पलाइन नंबर का, क्योंकि गवर्नमेंट के बाद लॉन्च किया गया फॉर एंटी ड्रग, क्या आपको ड्रग्स अगर छोड़ने हैं तो उसकी हेल्पलाइन नंबर है, लोग आते हैं मदद करते हैं, सरस मदद मानस नन ऑफ दीज, ड्रग रिलेटेड केसेस अगर आपके आसपास में है उसके लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को आप यहाँ पे 1933 पर कॉल करके बता सकते हैं इस बारे में, ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, और यहाँ बात की जाए तो क्या आंसर रहेगा आपका, मानस। ओके, तो नाम क्या है इस हेल्पलाइन नंबर का, तो वो है मानस, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ठीक है, मानस का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, केंद्र ये चीज। ओके, सो आज के लेक्चर में इतनी चीजें, नेक्स्ट आपकी फिर से इसके आगे के कंटिन्यू करेंट अफेयर्स किए जाएंगे, उन्हें में देखिए, कॉपी को एक सामने में रखो, क्वेश्चंस लिखो और आंसर लिखो, पूरे ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बता रही हूँ वो भी लिखो, यहाँ पे हम पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे, मतलब से आरआरबी जेईई नहीं, कोई भी एग्जाम जो होने वाली है उसमें आपके पूरे पिछले 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और गेट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, थैंक यू सो मच।